अस्सलाम वालेकुम एसबीए फैमिली सब, तो कैसे हैं आप सब? आपका बॉय एकदम मजे में। सो वेलकम टू एक नया व्लॉग। ठीक है, तो आज का सीन ये है कि सबसे पहले तो भी करते हैं नाश्ता, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं फिर आज का क्या सीन है। आज का वैसे कितना खास नहीं होना, जो छोटा मोटा उतरेगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो नाश्ते से पहले कि एक और काम निकल आया है, और वो है जी पानी भर के लेके आना है, ठीक है। सो पानी भरने जा रहा हूँ, ठीक है। पानी भरना जो है ना, ये जो है ना पूरी जान लेता है घूमने की। सो पानी भरते हैं, उसके बाद फिर जो है ना देखते हैं कि आज के क्या और प्लान्स हैं। तीन बोतलें पहले ही टिका दी हैं, ठीक है। एक ये कूलर टिक गया है और एक आगे बोतल, ये कूलर है। इससे ये होता है कि तकरीबन हफ्ता एक निकल लेता है इससे। हालत देख रहे हो भाई की, पसीनों पसीने हुआ पड़ा हूँ। ये सारी ये बोतलें शोतलें भरने के बाद की ये कंडीशन है, ठीक है। फुल जो है ना वो एक्सरसाइज हुई है। सो पानी का सीन ओके हो गया, ठीक है। गाड़ी के अंदर सारी बोतल टिका दी हैं, ठीक है। लेट्स गो, ठीक है। फुल हैवी कंडीशन हुई पड़ी है, ठीक है। चलें अब, नाश्ता किया नहीं हुआ था तो जाते हैं, जाके नाश्ता माश्ता करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या सीन है। सो पानी शानी डन हो गया, ठीक है, और अब आएगी ये नाश्ते की बारी, आ चुकी है, ठीक है। सो दिस इज़ नाश्ता। सो ये नाश्ता है, ठीक है, मिक्स्ड वेजिटेबल ऑमलेट प्लस रोटी। सो लेट्स हैव ए बाइट मिक्की सी, ठीक है, ये चीज़। एंड नाउ ऑमलेट मज़ेदार बना हुआ आज। सो नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो नाश्ता डन हो गया है, ठीक है, और टाइम ऑफ टी, ठीक है, जिसके बगैर हमारी सुबह सुबह नहीं होती, ठीक है, और जिसके बगैर आँखें ही नहीं खुलती, ठीक है। सो क्या बात है। सो ख़वातीन हज़रात, दोपहर का टाइम हो चुका है और आज चूँकि है जी जुमा, ठीक है, तो जुमे की तैयारी शारी करनी है। तो जुमे के दिन वैसे भी जो है ना, क्योंकि बिजनेसेस क्लोज होते हैं, ठीक है, वर्कर्स की छुट्टी होती है, ठीक है, तो इसलिए जो है ना जुमे का दिन कोई छोटे मोटे को घर के काम हों तो हों, ठीक है। जैसा कि सुबह जो है ना वो पानी लेके आना था, ठीक है, वो घर का काम था। इसके अलावा दो तीन और छोटे मोटे काम थे, ठीक है, तो बस यही घर के काम थे, ठीक है, तो बाकी इसके अलावा कोई ख़ास काम था नहीं। सो अब काम ये है कि अब जुमे की तैयारी मारनी है, ठीक है। सो सबसे पहले जुमे की तैयारी करें, ठीक है, शेव शूव बनाएं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, मलंग बने हुए हैं तो शेव करते हैं, ठीक है, इसके बाद चेंज करते हैं, ठीक है, शावर शुवर लेते हैं, गुस्ल करते हैं और फिर मिलते हैं। सो ख़वातीन हज़रात, भाई जुमा पढ़ के आ गए, ठीक है, वाय और वाय की आपको मैं लुक दिखाता हूँ, और लुक दिखाने का भाई मैंने अपना जो रवायती स्टाइल है ना वो मैंने करना है। सो रवायती स्टाइल के लिए वेट करें। सो फाइनली भाई रेडी है, ठीक है, वीडियो तो पहले शुरू हो गई है लेकिन भाई स्टाइल स्टाइल है, ठीक है, मैंने जो अपना एक स्टाइल रखा हुआ है ना, ठीक है, उसमें रहना है, ठीक है। भाई की जो है ना दाढ़ी का थोड़ा सा भाई ने आज स्टाइल चेंज किया है, ठीक है, बताइए कैसी लग रही है, ठीक है, भाई को तो सोनी लग रही है, ठीक है, तो आपने ही बताना है कि कैसी लग रही है,
तो आज भाई का आउटफिट है जी ब्लैक प्लस नेवी ब्लू क्रॉक्स, नेवी ब्लू कह लो, ग्रे कह लो, ठीक है। शीशा थोड़ा सा जो है ना वो डस्टी हुआ पड़ा है, ठीक है, इसलिए उसे जो है ना वो इग्नोर। सो दिस इज बॉय की जुमे की लुक, ठीक है। तो आज मैंने ब्लैक पहना है ना उस साथ, ऐसी कोई हैवी किस्म की गर्मी लगी है, ठीक है, जिसको हद नहीं है, पसीने अभी भी छूट रहे हैं, ठीक है। गर्मी आजकल बहुत शदीद हुई पड़ी है, तो ये सीन है, ठीक है। अब चलते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, और खाना आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि खाने में आज है क्या, ठीक है, और फिर हम खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। सो ख़वातीन हज़रात, ना खाना भाई का रेडी हो चुका है, ये लाइट अभी ऑन करता हूँ उसके लिए, ये ना थोड़ा सा ये चीज़ और साथ में ये चीज़, ये लाइट्स ऑन हो गई हैं, ठीक है। और अब आपको दिखाते हैं जी आज क्या है हमारा आज का खाना। वाओ, ये हैं जी आलू की टिक्कियाँ, आई मीन कटलेट्स भी इन्हें कह देते हैं, टिक्कियाँ भी कह देते हैं, ठीक है। ये हैं ये चीज़, और साथ में एज यूजुअल हमारी रोटी, और रायता भी बनानी था, ठीक है। तो मैंने कहा बस ठीक है, मैं ऐसी जगह जाके इसका जो है वो शूट कर लेता हूँ। सो रायता भी बनने में टाइम है, तो रायता हम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेजिन भी तो कर सकते हैं ना, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं अपना खाना, लेट्स हैव ए बाइट ये चीज़, साथ में ये चीज़। वाओ वाओ, क्या बात है, प्रॉपर जैसे रोड साइड पे नहीं वो बनाते, ठीक है, बिल्कुल वैसी फील आ रही है, टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है, क्योंकि इसमें आई थिंक जो लाल मिर्च होती है ना उसका इसमें फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग आ रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा जो रोड साइड वो होते हैं ना कार्ट्स वाले, जैसी उनकी होती है ना वैसी फील इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो मज़ेदार लग रहा है, ठीक है, तो मैं खाऊँ खाना, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है। सो ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू नेक्स्ट डे, ठीक है, दी मेन डे, ठीक है। आज थोड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, ठीक है, और आज थोड़ा सा मसरूफियत वाला दिन भी है, ठीक है, क्योंकि एक तो आज जो है ना वो लिंटर डलने हैं, ठीक है, और लिंटर डलने की उसमें जो है ना वो देख रेख भी बनानी होती है, तो वो भी आज है। और आज हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि जो है ना भी आज सालन की देख उतारनी है, सालन रोटी की, तो सालन देगी देख, इसकी देख जो है ना ये होती थोड़ी ज़्यादा ये नहीं खा वाली है, ठीक है। अमूमन लोग जो है ना चावल करती हैं वो थोड़ा इजीली हो जाता है मैनेज, ये थोड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन चले हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं तो करना तो है अब। और सबसे मजे की बात यह है कि अभी 7:30 हुए हैं और बार नाई आया खड़ा है, ठीक है, उसी शायद कहीं और जाना है, ठीक है, इसके बाद तो कह रहे हैं कि भाई अभी करवाओ बस, तो बस जल्दी जल्दी उठे हैं, ठीक है, उठ के सारा सामान उन्होंने पूरा किया है, ठीक है, तो अब अपना काम भी शुरू हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये सीन है, ठीक है। तो ये तो शुक्र है कि हमने आधे से ज़्यादा सामान कल ही पूरा कर लिया था, मेन आइटम कल ही पूरे कर लिए थे, ठीक है, और बस थोड़ा बहुत रहने वाला था वो अब पूरा कर रहे हैं। सो आज दिन थोड़ा टफ होने वाला है, प्रिपरेशन पे लगा हुआ है भाई, ठीक है, तो ये सीन है। अब बताना कर रही ये तो अभी काम पे जुड़ रहे हैं, और मज़े की बात है अभी कॉल आई है, ठीक है, और कह रहे हैं कि जाना वो भी आए हुए हैं, ठेकेदार भी आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जान मशीन आपकी आ गई है, ठीक है,
तो अभी यहाँ का काम शुरू करके उधर जाते हैं, क्योंकि एक काम तो जो है ना रूटीन में आ जाए उसके बाद फिर अगले काम पे जाएंगे, वो तो ये है कि वहाँ पे ठेकेदार भी जो है ना वो करवा लेगा। सो ख़वातीनों हज़रात, दुकान पे आ गए हैं और सीन ये है कि मेरे आने से पहले पहले जो है ना मशीन पीछे लग गई है, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज पूरा दिन आपने मेरी हालत को इग्नोर करना है, ठीक है। आज जो है ना वो बस हालत अजीब हुई पड़ी है, ठीक है। सीमेंट भी आ गया है, ठीक है, और ठीक है आप इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू होने लगा है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन भी आने वाला है, ये सीन है, मशीनों को सेट सुट कर रहे हैं, ठीक है। और बस काम अभी थोड़ी देर में जो है ना वो शुरू हो जाएगा। सो ख़वातीन हज़रात, सीन कुछ ऐसा है कि मैं भी घर गया था, ठीक है, देख शेख का वो जो है ना वो फाइनल हो गया है। और मज़े की बात है कि काम का लोड इतना था कि मैं देख का जो है ना व्लॉग बना नहीं सका, ठीक है। जब तक मैं बना था तब तक देख रेडी कर चुका था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता, यहाँ पे भी उस काम जुड़ा पड़ा है, काम फुल शुरू हुआ है, काम फुल सिस्टम ऑन हुआ हुआ है आज, क्या बात है ये चीज़। प्रोसेस तो पहले सारा देख ही चुके हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ऊपर का दिखाते हैं थोड़ा सा। सीन है जी ऊपर का, वायरिंग का साथ में हो रहा है, बॉक्सेस वगैरह लग रहे हैं, ये भी ऊपर शुरू है काम, ठीक है। अभी शुरू हुई है, तकरीबन ये डेढ़ से दो घंटे में फाइनल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सीन खबरदीन आजाद, सीन कुछ ऐसा है कि काम उनका मुकने वाला है, ठीक है। कह रहे थे और एक घंटे में जो है ना वो हमारे ये सिलेंडर कंप्लीट हो जाना है, तो अब हम आए खाना शाना लेने के लिए, ठीक है। खाना शाना लेके जाते हैं अभी आधे पौने घंटे में, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा खाना आज का। पेशे खिदमत है आज की देग, जो कि है जी चिकन की, चिकन कौरमा, ठीक है। ये चीज़, ये जी हमारा आज का चिकन कौरमा है, ठीक है। और क्लोज लुक जब ये निकलेगा ना बाहर, तब मैं आपको दूंगा इसकी, ठीक है। तो ये सीन है, ये भी जाते हैं अब 15-20 मिनट आधे घंटे में, ठीक है, जाके ना खाना शाना खिलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इजी, फिर देते हैं क्या करना है। सो ख़वातीन हज़रात, काम शाम एंड हो गया, ठीक है। लेंटर डल गया है, ठीक है। लेबर को खाना शाना भी खिला दिया सारी को, खाना शाना खा लिया, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ऊपर का राउंड मारता हूँ कि ऊपर का क्या सीन है, और आप लोगों को भी साथ दिखाते हैं कि ऊपर का क्या सीन है। सो ख़वातीन हज़रात, ऊपर का सीन है जी ये सीन है ऊपर का, ठीक है। लेंटर शेंटर सारा डाल गया बेहतरीन, ठीक है। सीन ओके हो गया, अब कल से इसकी तराइयाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसके ऊपर अभी ममटी बननी है, ठीक है। वो अब देखते हैं कि एक दो दिन में ममटी का काम भी स्टार्ट करते हैं। लेबर को मैं खाना शाना खिलाया था, ठीक है, और उन्होंने पैकअप भी कर लिया था, ठीक है। तो अब चलते हैं जाके खाना शाना खाते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा आज जो है ना, आज देख का सालन चिकन कौरमा ही है, ठीक है। तो वो हमारा कैसा बना हुआ है, वैसे तो बेहतरीन ही होता है मोस्टली जो देख का सालन होता है। तो आज हम जाके ट्राई मारते हैं, देखते हैं कि कैसा बना है आज का। सो ख़वातीन हज़रात, पेश खिदमत है जी वन एंड ओनली देख का खाना, क्या बात है जी ये चीज़, प्लस तंदूर की रोटी, होए 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 होए, क्या बात है। देग का सालन प्लस तंदूर की रोटी, क्या नेक्स्ट लेवल कॉम्बिनेशन ये चीज़। सबसे पहले एक छोटा सा स्लोमो शॉट देखें, ठीक है, उसके बाद फिर आगे ट्राई मारते हैं ये चीज़। वाओ वाओ वाओ। सो नाउ लेट्स हैव ए बाइट, निक्की सी, क्या बात है,
ये चीज़ और इसके अलावा ये चीज़। वाओ वाओ क्या बात है, ये चीज़ प्लस हल्की सी ग्रेवी में डिप करके ये चीज़ एंड नाउ इन द माउथ। यार देख के जो सालन में जो टेस्ट होता है ना, चाहे देख के सालन कर लो चाहे देख के चावल कर लो, इनमें अलग ही एक फील होती है। ठीक है, ये एक तो बनाने के इनका तरीका भी थोड़ा सा इस तरह का होता है, दूसरा ये इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे डलवाते हैं ये। अब हालांकि मैं हमने जो है ना सारा कुछ हमने जो ना वो अपना जो ना परचेज करके दिया है, लेकिन फिर भी जो देख के टेस्ट आ रहे हैं ना इसके अंदर, यार बहुत कमाल टेस्ट है इसका, क्या बात है। ये चीज़ वन मोर बाइट। वाओ वाओ दिस इज द बाइट। ओके ग्रेवी में डिप करके एंड इन द माउथ। आखिरी टेस्ट है इसका। सो खाना मैं खाऊं उसके बाद मिलते हैं, और उसके बाद हमने एक दो काम करने हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले खाना। सो खवातीन हजरात, खाना डन हो गया है। ठीक है, डन हो गया मीन्स के खा लिया है। ठीक है, और अब सीन कुछ ऐसा है कि शाम में है जी, कुछ शाम में मीन्स कि अभी ये घंटे के बाद निकलना है। ठीक है, तो उसमें है जी कुछ रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ जो है ना वो आज की दावत है। ठीक है, उधर निकलना है। ठीक है, तो उसके लिए भाई ने उन्हें रेडी, और रेडी होने के लिए भाई ने निकाले हैं जी कपड़े। ठीक है, और हम रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो ख्वातीन हजरात, पेश खिदमत है भाई की टुडेज लुक। वाओ क्या बात है, इस कलर को क्या कहते हैं। ठीक है, मुझे इस कलर का आइडिया नहीं होता कि इस कलर को क्या जाता है, कहा जाता है ना, ये वाइट है ना ये ऑफ वाइट है। ठीक है, तो आई डोंट नो कलर कौन से, लेकिन कलर बड़ा प्यारा है। ठीक है, ये है जी भाई की टुडेज लुक जो कि आपको नजर आने वाली है जी सेकंड मिरर पे। सो ये है जी बॉय की फुल लुक, क्या बात है बेहतरीन। पता नहीं कौन सा कलर इसे कहेंगे, प्लस ब्लैक कैंची शूज। वाओ दिस इज वाई, क्योंकि यार ये मिरर की भी सफाई सफाई होने वाली है। ठीक है, वाह इस पे डस्ट आ गई है तो इसकी भी सफाई मारेंगे अब। ठीक है, हाँ देखें डस्ट आई पड़ी है, काफ़ी सारी डस्ट आई हुई है। सो मैं अब जाने लगा हूँ। ठीक है, हमारा आज एक जो है ना वो गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाने लगा हूँ। ठीक है, तो ब्लॉग को यहीं पे जो है ना वो वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, गला साफ कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।